नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर सो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया से नई मांग करी गई है उन्होंने कहा है दैट इंडिया मस्ट अलाउ द कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आप यहां पे देख पाएंगे लाइव मिंट की यह खबर है ईयू सीक्स करेंसी कन्वर्टेबिलिटी फ्रॉम इंडिया और इनकी जो डिमांड है उसका पूरा टेक्स्ट भी सामने आया है इसमें इन्होंने कहा है विदाउट प्रिजुडिस टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस अग्रीमेंट ईच पार्टी शैल अलाउ इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी एनी पेमेंट एंड ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ईच पार्टी शैल आल्सो अलाउ विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शंस ऑन द कैपिटल एंड द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसके दो हिस्से होते हैं एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट ईयू ने यह मांग करी है कि दोनों के ही ऊपर फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया को ऑफर करनी चाहिए लेकिन बदले में इंडिया ने इस रिक्वेस्ट को साफ साफ मना कर दिया है इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है उन्होंने कहा है कि देखिए ये हमारा सोवरन डिसीजन है हम किसी भी कंट्री के साथ अगर कोई भी अग्रीमेंट करते हैं वो कंट्री हमें ये नहीं बता सकती कि हमें कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए बात करेंगे पूरी स्टोरी के बारे में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के क्या मायने होते हैं वो भी समझा जाएगा इंडिया ने इसको मना करने के पीछे क्या रीजन दिए हैं उसको भी जाना जाएगा आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं ऑलसो बताना चाहूंगा कि आपके 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के एंड no कल्चर सब कुछ कवर करवाया जाएगा और उसके साथ जुड़ा हुआ स्टार्ट कॉन्टेंट भी कवर करवाया जाएगा इस कोर्स में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से कर सकते हैं फाइनल कॉस्ट आपको पड़ेगी ओनली एंड ओनली ट्वेल्व डबल नाइन अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं ऑल्सो अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस में आते हैं और लीडर बोर्ड पर टॉप करते हैं तो आपको यही वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने की संभावना भी बन जाती है ऑल राइट right. So, के कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं आई एम श्योर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो कि ऑलमोस्ट हर कंट्री ही इस अकाउंट को मेंटेन करती है उसके अंदर कुल मिला दो अकाउंट्स आते हैं पहला अकाउंट आता है करंट अकाउंट का दूसरा अकाउंट आता है कैपिटल अकाउंट का जब करंट अकाउंट की बात करते हैं तो ये वो वाला अकाउंट है जो कि मेनली डील करता है विद द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है यह मेनली डील करता है रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कैपिटल बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स यानी कि अगर आपको केवल चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में रखी जाती हैं लेकिन अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जाकर बाहर की कंट्री वाले को आकर, इंडिया में उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाता है इन्हीं दोनों अकाउंट्स के साथ जुड़ी हुई एक सामने आती है जिसको कि हम लोग कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं तो जब हम बोलते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वो बेसिकली मतलब है एबिलिटी और फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं वो भी इंडियन रूपी के लिए तो मान लीजिए कोई एक एक्सपोर्टर है जो कोई कमोडिटी बाहर भेजता है जब उसने कमोडिटी को बाहर भेजा तो उसको बदले में मिल गई यूएस डॉलर

नहीं लगाया गया है सिमिलरली कोई इंपोर्टर है जो कि बेसिकली बाहर से सामान मंगवा रहा था तो वेन एन इंपोर्टर बाइज फॉरिन करेंसी फ्रॉम इंडिया फॉरन एक्सचेंज मार्केट बाई एक्सचेंजिंग रूपी उसको भी कोई यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा कंप्लीट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी उसके लिए अवेलेबल करवाई गई है इसमें इंडिया इस करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अगस्त ट्वेंटी नाइनटीन से पूर्ण रूप से फॉलो करता आया है यानी कि हम लोग करंट अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी फुली अलाउ करते हैं लेकिन जब ये सेम चीज कैपिटल अकाउंट के केस में आती है तो वहां पर इंडिया में बैठी थी दो कमिटीज जिन दोनों ही कमिटीज में तारापुर कमेटी के नाम से उनको जाना जाता है और उन्हीं ने इसकी परिभाषा भी दी तारापुर कमेटी कहती है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू दी फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स एंड वाइस वर्सा एट मार्केट डिटरमाइंड रेट्स ऑफ एक्सचेंज इट इज एसोसिएटेड विद चेंजेस ऑफ ओनरशिप इन फॉरन एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इसको भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई बाहर का इंसान है वो इंडिया में आता है तो वो बड़ी इजीली फॉरेन करेंसी के माध्यम से इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं और कल को वो अगर उसको बेचना चाहता है तो बड़ी ईजिली वो उस चीज को बेचेगा और उसको फॉरन करेंसी मिल जाएगी और उस फॉरन करेंसी को लेकर के बाहर चला जाएगा इस केस में इंडिया कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफर नहीं करता है हम लोग इसमें केवल पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफर करते हैं और इसमें भी दो चीजें आती हैं सबसे पहली तो आरबीआई के द्वारा एक एलआरएस स्कीम लगाई गई है जो कि बेसिकली एक लिमिटेशन लगाती है कि इससे ज्यादा आप लोग यहां पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे और दूसरी चीज एक कानून है जिसको कि हम लोग फेमा के नाम से जानते हैं जो कि अगेन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के नियमों को बताता है कि, कि किस लिमिट तक आप ऐसा अलाउ कर सकते हैं और तारापुर कमेटी ने बड़ी क्लियरली बोल दिया था ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी से साढ़े तीन परसेंट नीचे नहीं आता हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो तीन से पांच के बीच में नहीं रहता इफेक्टिव सीआरआर थ्री है ग्रॉस एनपीएस फाइव या फिर उससे कम होने चाहिए अगर ये हो जाता है तो उस केस में हम लोग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं बिकॉज अगर ये नहीं होता है तो कंप्लीटली जो हमारी इकोनमी है वो एक्सटर्नल वॉलिटिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी कल को अगर एक्सटर्नली कोई ऊपर नीचे बात होती है तो उस केस में हमारी इकोनॉमी भी काफी नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है और अब यूरोपियन यूनियन ने उसी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करी है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं उन्होंने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करी है द यूरोपियन यूनियन हैज सजेस्टेड कि इंडिया अपनी कैपिटल अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस को लिबरलाइज करें एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफटीए डिस्कशंस आपको मालूम होगा इंडिया और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेके जो नेगोशिएशंस हैं वो पिछले साल शुरू हुई हैं और उसी के चलते उनके द्वारा ये वाली मांग करी गई है ये वाला टेक्स्ट आप देख सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया वही दोबारा से दिखा रहा हूं इन्होंने कहा है पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स विद टू ट्रांजैक्शंस ऑन द करंट अकाउंट एंड ईच पार्टी शेल ऑल्सो अलाउ विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शंस ऑन द कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको कंप्लीट फ्री मूवमेंट यहां पर अलाउ करनी होगी यूरोपियन यूनियन ने यह तक कहा कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल सही हैं क्योंकि अगर हम लोग डब्ल्यू की आई की जो सिद्धांतों की बात करें तो उनके सिद्धांत भी यही कहते हैं कि आप इस तरह की डिमांड्स को रख सकते हैं इट कंटेन्स प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फाउंड इन दी आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट ऑफ दी आई उन्होंने गैट्स की बात करी उन्होंने जी की बात करी जो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस आता है उसकी भी उन्होंने बात करी कि ये सब चीजें करनी जरूरी हैं उन्होंने कहा द दर्पस इज टू एंश्योर दैट डिफरेंट कमिटमेंट्स कमिटमेंट आर टेकन इन दी अग्रीमेंट विल नॉट बी नलिफाइड इन दी एबसेंस ऑफ स्पेसिफिक कमिटमेंट्स मतलब कि आज हम आपको कुछ कमिटमेंट कर दें और कल को आप उस कमिटमेंट को पूरा ना करें बिकॉज आपके यहां पे करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग वैसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इंडिया ने बदले में क्या कहा है तो देखिए एफ के लिए बहुत सारी टीम्स तैनात करी जाती हैं तो इंडिया में जो लॉ एसोसिएट्स की एक टीम है जो कि बिलोंग करती है क्लारस लॉ एसोसिएट्स को जो कि दिल्ली बेस्ड एक लॉ फर्म है इन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो डब्ल्यू इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रखता है तो ये आप अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं द डब्ल्यूटीओ डज नॉट रिक्वायर फ्री कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी बल्कि साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर लीगल परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया कैन ओनली अग्री टू लिमिटेड कमिटमेंट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रांसफर्स एंड पेमेंट्स और वो भी वो अपने जो घरेलू कानून है उसके अनुसार ही ऐसा करेगा बेसिकली साफ साफ शब्दों में कहूं तो इंडिया ने इस डिमांड को आउटराइटली रिजेक्ट किया है अनुराधा आरवी जो कि क्लैरस लॉ को बिलोंग करती हैं इन्होंने कहा कि माय व्यू इज दैट इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द एफटीओ नेगोशिएशंस बिकॉज द डिसीजन ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी टू बी अ अलग

तो आपको दिक्कत किस बात की है और फिर भी उन्होंने यह कहा कि देखिए यह कंप्लीटली इंटरनल रेगुलेटरी प्रोसेस है इसमें यूरोपियन यूनियन की दखल अंदाजी देना बिल्कुल भी जायज नहीं है साथ ही में अजय श्रीवास्तव हु इज अगेन को फाउंडर ऑफ द थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव इन्होंने भी कहा इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट द दू प्रपोजल इन्होंने यह कहा कि देखिए तारापुर कमिटी जो बातें बोलकर गई है वो बातें गलत नहीं है द तारापुर कमिटी रिपोर्ट ऑन द इशू इन मे 1997 नाइनटी सेवन आइडेंटिफाई प्री कंडीशन जो मैंने आपको पहले चार प्री कंडीशन दिखाए थे और उन्होंने कहा वी आर नो वेयर नियर मीटिंग दो कंडीशन इसीलिए हमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की टॉपिक को छेड़ना ही नहीं चाहिए और बल्कि वही वाले सिद्धांत थे जो कि इंडिया को आज दिन तक बचाते आए हैं फिर भले वो इसके पहले वाली हुई एशियन क्राइसिस हो फिर भले वो आपकी 2008 9 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी मेल्टडाउन था तब भी इंडिया पे इंपैक्ट नहीं आया बिकॉज हम लोग हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते आए हैं बिकॉज हम लोग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते आए हैं मान लीजिए कि वो रिस्ट्रिक्शंस ना होती तो जैसा कि होता है बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके बाहर निकल जाते उस केस में वॉलिटिलिटी इंडिया में काफी बढ़ सकती थी स्टिकिंग टू द रिकमेंडेशन पे अजय श्रीवास्तव के द्वारा कही गई है नाउ ये तो ये राय दी गई है आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए लेकिन इसकी जो अगली बातचीत है इंडिया ईयू के बीच में वो तेरह से सत्रह मार्च के बीच में होने वाली है तब भी काफी सारी नई डेवलपमेंट सामने आएंगी देखते हैं क्या होता है जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग स्टे टून एंड स्टे सेव